फीवर 104 है ये, मैं हूँ सुप्रिया विद यू एंड येट अगेन वेरी एक्साइटेड टू से कि जब भी यहाँ पर हमारे स्टूडियोज में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल आता है, स्पेशली समबडी हु इज एन आर्टिस्ट, अ परफॉर्मर, समबडी लाइक बेला, तब आप क्या करते हैं भाई? ऑफ कोर्स वी मेक सम नॉइज गाइस. वेलकम बेला ऑन फीवर FM. हाउ यू डूइंग? I'm doing good. Thank you so much for inviting me. Of course, यार. हमें पता चले कि दिल्ली में एक प्लेन उतरा है और हम आपको इनवाइट ना करें. ऐसे तो होली. मैं तो सो रहा था, मुझे लगा प्लेन क्रैश हो गया. जैसे ही वो नीचे उतरा मैं तो डर गया एकदम से. साथ वाला भी डर गया. Very very dark start to this interview. ये बताने के लिए I'm a very dark artist. Very dark. All right, that's honesty. Yes, but here sir. We go. Let's get to know you better, especially for our listeners. Ke liye. How has your journey been? How and when did all of this start? Tell us something about that. Okay, मेरा mixtape release हो गया. सारे लोग पहले जाके उसे सुन लो, ठीक है? उसके बाद मैं बताता हूँ. Great plug-in. This mixtape का नाम है Chemical Reaction. जाके सुनो फटाफट, ठीक है? अब आगे. This is मेरा स्टोरी बहुत सिंपल है कि लाइक मेरा नाम दीपक है. दीपक सिंह चौहान इज माय फुल नेम. और मेरे को शुरू से ऐसा नहीं था कि मेरे को रैपर बनना है या कोई आर्टिस्ट बनना है. मेरे को बस फेमस होना था. ओके, फेयर एनफ. इट्स लाइक मेरे को पैसा कमाना था, फेमस होना था और मॉम डैड को बस बड़े से बंगले बड़ी गाड़ी लेके देनी थी, दैट्स इट. तो अब मेरे को यह था कि मैं कर क्या सकता हूँ. तो पहले मैंने डांसर सोचा, फिर मैंने एक्टिंग सोची, फिर मेरे को डर लगा कि नहीं हो पाएगा ये सब. तो आवाज मेरी थोड़ी बहुत अच्छी थी तो मेरे को दोस्तों ने थोड़ा फोर्स किया, रैप कर लो. तो मैंने अपना नाम रखा MZ बेला. M stands for me, Z is the last alphabet of ABCD, right? Yeah. So that stands for last, आखरी, and Bella stands for beautiful change. Oh. It's like मैं आखरी सुंदर बदलाव. So मेरे को नहीं फर्क पड़ता है गेम कहाँ से शुरू हुआ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है सीन बीच में कहाँ है. I'm just saying it's gonna end with me. I'm gonna end this on a big level. I can already see the reel in my head right now. The moment he said this is going there. But that's yes, amazing. Sir. I love so, it. So that's the whole story behind MZ Bella. और उसके बाद मैंने अभी MZ हटा दिया है क्योंकि MZ का main motto ये था कि like मैं लोगों को बता सकूँ that I have a big name. मेरा एक बड़ा persona है, you know. कहते हैं ना कि like YouTube पे देखते हैं कि अगर आपको ज्यादा बड़ा दिखना तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा स्पेस घेरो, दैट्स नॉट कूल, दैट्स नॉट कूल. ऐसा कुछ भी नहीं होता. इट्स लाइक आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, दैट हु यू आर. तो बस यही था कि मेरे को बेला ही रखना है. इट्स बेला का मतलब है ब्यूटीफुल चेंज एंड आई थिंक व्हेन आई से बेला आई बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन. दैट्स वंडरफुल यार, दैट्स रियली नाइस. आई लाइक कितना थॉट डाला गया है, यू नो, बिहाइंड दिस नेम. कांग्रेचुलेशंस इन विनिंग हसल. थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस वाज वन बिग हाईलाइट आपकी लाइफ में. So tell us about that winning moment, the whole journey there, and after that, how's it been for you? Hustle is like, मैं उसको explain नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जब भी इसके बारे में बोलने जाता हूँ, hang हो जाता हूँ. ठीक है, buffer बोलो तो हम wait करेंगे. It is like यार वो जो चीज है ना वो इंडिया में पहली बार हुई थी और मैं तब 19 years old था और मेरे को कोई अंदाजा या एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आई कैन विन दिस. मैं ये कर सकता हूँ, लाइक ये मेरे लिए बना है, आई कैन रैप. तब तक सिर्फ ये अंडरग्राउंड लोगों को सुना रहे हैं. वहां पर जाने के बाद इट्स लाइक मेरा पूरा लाइफ बदल गया. मैं जो था वो अभी हूँ ही नहीं. आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैन, डिफरेंट पर्सन. क्योंकि वहां पर मेरे को ये पता लगा कि कैमरा के आगे यू हैव टू फेस पीपल, हाउ टू फेस पीपल, हाउ टू टॉक. ये माइक सिर्फ गाने बनाने के लिए नहीं होता है. इट इज हेयर टू एक्सप्रेस. और अगर लोगों को यह समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझ सकते. क्योंकि अगर लोग अरिजीत सिंह के गाने सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं, समझने के लिए नहीं, तो मैं तो फिर भी रैप करता हूँ, मेरा कहाँ समझेंगे. इनको फोर्स करना पड़ेगा समझने के लिए. एंड आई एम ऑन इट. जैसे मैंने बोला, कुछ भी हो खत्म मुझसे ही होगा. I have to say we love the confidence. Thank absolutely you. Do. Thank you. Chemical Rest. Reactions. Let's yes. talk about that. Finally. Now that he did the plug-in, the thumbnail of the other, ऐसा घुमा फिरा के लाना ही था, मुझे बता रही था. Okay. So. Tell us something about Chemical Reaction is my latest mixtape. और ये बहुत बड़ा बना है क्योंकि वायरल हो गया है. मेरे ख्याल से 10 दिन हुआ है अभी रिलीज हुए. Yeah. और पर्टिकुलर हर गाने पे 400 to 500 के व्यूज हैं. Yep. Half millies there. So, मतलब हर गाने पे, सब गानों पे मेरे को ऐसा लगा था कि कोई एक गाना चल जाएगा, बाकी चार शायद ना चलें, ये वो. But I'm really surprised कि इन लोगों ने, पूरी जनता ने पांचों गानों को एकदम बराबर प्यार दिया. Yeah.
लाइक वो एक सुन रहा है तो उसको चारों बाकी के सुनने ही सुनने के व्हाट इज बेला प्रेजेंटिंग. सो आई एम सेइंग कि इतना कॉन्फिडेंस जो ये लोग दे रहे हैं ना वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल एनर्जी है. और केमिकल रिएक्शंस इज ऑल अबाउट के लाइक मैं एक दिन रात को सोने गया और एक होता है ना कि जब हम सोने जाते हैं तो एक आवाज अंदर होती है जो आपसे बात कर रही है कि यार आज तूने दिन में शायद इसके साथ बुरा किया या फिर शायद यह करना चाहिए था. एंड देन एक और आवाज आती है और जो बोलती है जस्ट स्लीप राइट. वो दोनों सेम आवाजें नहीं है, दे आर डिफरेंट पर्सोनास, दे आर डिफरेंट पीपल इन मी जो मैंने कैद कर रखे हैं. सो केमिकल रिएक्शन इज ऑल अबाउट कि एक ब्रेन है, एक हार्ट है. हार्ट ने एक दिन मेरे दिल की सारी बातें सुन ली और उसको ऐसा लगा कि मैन तू इसको इतना बुरा सिखा रहा है, दैट्स व्हाई ही लुक लाइक दिस, अब इसे मैं सिखाता हूँ. So it's a conversation between heart, mind and the narrator itself. So it becomes chemical reaction. Wow, love it. I think that's very beautifully explained. उसका book भी कुछ ऐसा है कि give us a glimpse. Give us a glimpse. It's like, go for it. मैंने कैसे सुन ली सारी बातें फिर से मेरे दिमाग की, हो गया chemical reaction, हो गया chemical reaction. जाने कैसे मांगी यादें किसी की फिर मेरे दिमाग से, हो गया केमिकल रिएक्शन. एंड इट गोज लाइक, हूं मैं दोषी मेरे दिल का, दरवाजा खोलता पर किसी से नहीं मिलता, जो मेरी माँ को करते मेरी निंदा, मेरी माँ को उनकी भी अचिंता, लिखूं तेरे लिए गाने क्यों ये तूने कभी खुद से नहीं पूछा, मेरी जान चला जाऊंगा एक दिन, मेरी जगह लेने वाला यहाँ होगा नहीं दूजा, तेरे आर्टिस्ट तूने मारे अब किसे सुन के तू आगे बढ़ेगा, तेरे जिस्म में पानी ही पानी का लाना, समझता तो खून नहीं बहता, तेरा दुनिया से पाला पड़ाना, तूने दरिया को दूर से देखा, यहाँ खाती हैं अशकों को नजरे, मैंने अशकों को बरसों नहीं देखा, मरूंगा ना कभी वादा कर, माँ कॉल पे तू डांटा कर, इश्क में अभी पड़ता नहीं दिल, टिकता नहीं धागों पर. Amazing! Killed Thank it, bro. Thank you so much. Killed Thank it. You so much. That's called slaying and slaying it hard. Thank you. Bella on Fever 104. But before, of course, we let you go, I have to ask you. You have given us these songs in Chemical Reactions, your mixtape, of course. Isme se koi ek aisa gana hai jisko leke you're partial. Your fans aren't. They love all of the songs. Haan, equal views. Bilkul. But which song is the most closest to your heart? Bellopia. इट्स लाइक बेलोपिया, आपने कभी यूटोपिया वर्ड करके सुना होगा. बेलोपिया मैंने वो एक पिक्चर भी है यूटोपिया, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर है उनको एक सिटी में लाके रख दिया है, दे आर नॉट फाइटिंग विच ईच अदर, दे आर नॉट किलिंग ईच अदर, वो बस रह रहे हैं साथ में, सर्वाइव कर रहे हैं. सो उसको यूटोपिया बोला जाता है. बेलोपिया इज लाइक, ये कमरा मैंने बंद कर दिया और इस कमरे में अब सिर्फ वही आदमी होगा या वही पर्सन होगा जिसकी एनर्जी बिल्कुल मेरे एनर्जी से मैच करती है, और अगर वो होगा तो वेलकम टू बेलोपिया, दिस इज माय वर्ल्ड, बेलोपिया इज माय वर्ल्ड. और उसमें वर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि जानवर मैंने जगा दिया, ये मेरा बेलोपिया, ये मेरा बेलोपिया, काटा 2 साल कारावास, मैं मुक्के बास कर दूं 2 मुक्के में मत्था जाम, तुझसे छीनू तेरी रूह जा तू नंगी जान, जो कलाकार कलाकार की ही घोटे सांस, वो कलाकार नहीं वो सांप कर दो तड़ी पार, ये बोले गानों में ये बनना चाहते तालिबान, तो मैं भी फौजी खड़ा सरहद पे दी गोली मार, मैं सुनता ट्रेविस स्कॉट दारू पी के बब्बू मान, कर दूं गलियां जाम हूं मैं शाहरुख खान, जानवर मैंने जगा दिया, ये मेरा बेलोपिया, ये मेरा बेलोपिया, kill it, that's kill बेलोपिया it. For you. Love that's my nation, that's my country, that's my world, enter to Bellopia. Wow. And have a touch with Bella. Love it, absolutely love the energy that you've got into this studio today, Bella. Thank you. Have to say that, absolutely. I made this Bellopia. He actually made Fever Studios Bellopia today. Let's go. That's called owning it, dude. That's amazing. Thank you so much for being with Thank us you as we for say. Inviting me. Of course. आता जाता रहूंगा अब तो मैं. मैं ये बोलने वाली थी, इसको अपना घर ही समझो. बिल्कुल. ठीक है, कभी हम शो कर रहे होंगे, आप बिल्कुल फ्री समझो, माइक अपनी तरफ खींच के जस्ट मतलब गो फॉर. कभी मेरा स्टूडियो वीडियो खराब हो जाए, बीट वीट लेके सीधा यहीं पे आ जाओ, माइक वाइक तो है ये, मिक्स विक्स करके यहीं से रिलीज, लेट्स गो. हाँ ठीक है, कॉल जाएगी आपके पास, हमें जरा बेलोपिया बना दो. यस सर, गो फॉर इट, लव इट, थैंक यू सो मच. बट बिफोर यू गो, डू यू हैव एनी वर्ड्स ऑफ विजडम फॉर लाइक बडिंग रैपर्स आउट देयर? ये मेहनत करो, सफलता करो, और लाइक किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो, बिकॉज इफ यू थिंक यू कैन बी लाइक कानिया वेस्ट, यू कैन नॉट, क्योंकि इफ यू वांट टू बी यू, जस्ट बी यू, दैट्स द ओनली वे. क्योंकि मैं जब घर से निकला सुबह तो मेरे को यही लगा कि यार ऐसे कपड़े पहन के जाऊँ, वैसे कपड़े पहन के जाऊँ, बाल बना के जाऊँ, दैट डजंट मेक मी बेला, दिस मेक मी बेला, सो आई एम दिस.
मैं ऐसे ही रहूंगा और लाइक जिसको पसंद करना करो यार, मैंने फोर्स नहीं किया. Yes, that's my life. Listen, we love the honesty. Yes. And I'm going to say this again. I said this once. Bella has got this energy here with his art. And I think that is beautiful. Hum sabko kuch na kuch positive feel karne ka mauka diya hai aaj tumne. And I think that is wonderful. Not every artist or every performer who's walked in here has done this. So, tahe dil se thank you for that. Thank you. I'm blessed. We as artists and performers ourselves, here with our art, need this energy every time. Thank you time. So much. So it's like जाते जाते मैं जनता को वही कि एक चीज और बोलना चाहूँगा कि like गाने ही हैं. It's like मैं humble poet हूँ और सीख मिलेगी तुम लोग को इससे कि public मांगे गाने फिर मैं गाने देके villain क्यों? Video मांगे मुझसे भी मैं शायर हूँ तो film क्यों? कवर आर्ट के पीछे दुनिया गाली देना सीखी है, तू गाने सुनने बैठा है या एग्जीबिशन लगी है? किसके गाने फुद्दू हैं, बीफों में क्या बोला है? तुमने खुद के हाथों अपने डीएचएच को तोला है. म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम बंदूकें लाना चाहते हो, गाने चलाने के लिए पैसा क्यों लगाते हो? Killed it. Thank you so much, guys. Thank you so much for inviting me. This is Bella. Mera naam kya hai? You all know. Bella on Fever XHR. What a lovely conversation. And we cannot wait to hear more and more music coming our way from you. Chemical reaction sunte raho. Welcome. Thank you so much.